जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदी की जो टेस्ट है निरंतर चल रही है, उसी में हमारा अगला वीडियो है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ऐप में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे और स्टडी मटेरियल कोई भी एग्जाम, सभी एग्जामों के स्टडी मटेरियल वहां पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमें अलंकार बताना है। राम को रूप निहारते जाने की कंगन के नगे की परिछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पर टारत नहीं। तो ये एक बार और आप देख लें, ये जो उदाहरण दिया है ये किस अलंकार का उदाहरण दिया है। ये चार अलंकार आपके सामने नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से क्या होगा सही उत्तर। उत्तर इसका सही होगा संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अभी उपसर्ग का अर्थ बताना है। दोस्तों, ये जो उपसर्ग होते हैं इनके अर्थ याद करो, यहां से आपके एक नंबर कटने वाला है। अभी उपसर्ग का अर्थ है तो क्या है, सामने। विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने, ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से करो। तत्सम शब्द का चोर, चोर, चूना या फिर धुआं, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से करो। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है तो क्या हो जाएगा, चोर। तत्सम शब्द होता है चोर, ठीक है। बात करेंगे माननीय में प्रत्यय है। माननीय में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा माननीय में, जल्दी से लिखे कमेंट में। उत्तर होगा दोस्तों अनिय। माननीय में जो प्रत्यय है वो अनिय प्रत्यय है। विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। त्र जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, जल्दी से बताएं कमेंट में। एक दो तीन चार ऐसे लिखते जाएं सभी लोग। त्र जो ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण। आपने संयुक्त वर्ण वर्णमाला में संयुक्त वर्ण पढ़े होंगे, छा है ना, सा, इस प्रकार से जो छात्रा ज्ञा ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है, ये भी पूछे जाते हैं। निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है चयन करो, जल्दी से बताओ कौन से की वर्तनी शुद्ध है। कई बार पूछा गया ये पूजनीय, पूजनीय वर्तनी शुद्ध में, तो पूजनीय सही हो जाएगा विकल्प नंबर दो। याद रखना पूजनीय ये सही है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी से करो। शुद्ध वाक्य कौन सा है, सभी लोग करेंगे शुद्ध वाक्य का चयन। उत्तर होगा चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। चलो यमुना किनारे सैर करने चलें, मतलब विकल्प नंबर जो तीन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्नलिखित वाक्य में से उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करना है। कौन सा प्रकार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, जल्दी बताओ एक वाक्य का कौन सा प्रकार। उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईमानदार का विलोम। अब आपको ईमानदार का विलोम बताना है। ईमानदार का विलोम तो सभी को पता है, बेईमान, ठीक है। ईमानदार का विलोम बेईमान। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जल्दी से करो। धात्र और धात्री ये शब्द युग्म दिए हैं, इनके अर्थ भेद का चयन करना है आपको, जल्दी जल्दी से करते जाएं। सभी लोग करेंगे और कमेंट में एक दो तीन लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा वर्तन और माता। धात्र मतलब होता है वर्तन और धात्री मतलब होता है माता, ठीक है, विकल्प नंबर दो। नेक्स्ट बात करेंगे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताओ कौन सी संज्ञा है। संज्ञा भी पूछी जाती है, आपको बताना है उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा है। इसमें कौन सी समूहवाचक संज्ञा, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। मात्रानंद का विच्छेद, तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है। मात्रानंद का विच्छेद होगा, मात्रानंद का विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। सभी लोग बताएंगे मात्रानंद का विच्छेद क्या हो जाएगा। उत्तर इसका सही होगा मात्र धन आनंद। मात्र धन आनंद जो होगा वो इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर कौन सा, जल्दी से बताओ विकल्प नंबर दो, मात्र धन आनंद। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसके कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं। उत्तर है छह, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के
छह भेद हैं। नेक्स्ट है जरह नगर था लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, किस रस का उदाहरण है? जल्दी से बताएं, रस तो आपने पढ़े हैं, उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे कमेंट में लिखकर अपना आकलन करें। भयानक रस हो जाएगा इसमें, भयानक है ना। जरह नगर भाव लोग बेहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हा सुनई पुकारे, ही अवसर को हम ही उबारा, इसमें भयानक रस होगा है ना। अब आपको शब्द युग्म विकल्प में सही अर्थ भेद का चयन करना है, करो चूड़ और चूर। चूड़ का क्या अर्थ है, चूर का क्या अर्थ है, सभी लोग करेंगे, जल्दी से करो फटाफट, क्या हो जाएगा सही उत्तर? उत्तर इसका सही होगा दोस्तों चोटी और शिथिल, चोटी और शिथिल इसका सही होगा, ठीक है, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निहत्था में उपसर्ग है, निहत्था में कौन सा उपसर्ग है बताएं जल्दी से, निहत्था, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा, नी उपसर्ग, निहत्था में नी उपसर्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है, तो जल्दी से बताना है आपको क्या होगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न लिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, कृत प्रत्यय बताओ, कृत प्रत्यय हमेशा पूछा जाता है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, उत्तर इसका सही होगा लेखक, विकल्प नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा लेखक, ठीक है। का किस प्रकार का व्यंजन है, जल्दी बताओ क्या होगा सही उत्तर, स्पर्श व्यंजन, का स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कोई एक योग में विपरीतार्थक है उसे चुनिए, कौन सा है विपरीतार्थक, दिवा रात्रि, छोटा तुच्छ, कष्ट या संकट, सुख या दुख, खुश, तो क्या होगा सही दिवा रात्रि, ये विपरीतार्थक है, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का हमें चयन करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर होगा स्वर्ण सोना, ये जो है गलत युग्म है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। निरुद्देश का संधि विच्छेद होगा, निरुद्देश का संधि विच्छेद बताएं, सभी लोग बताएंगे निरुद्देश, संधि विच्छेद इसका सही हो जाएगा दोस्तों, नेह धन उद्देश्य, नेह धन उद्देश्य बराबर निरुद्देश सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोक हितकारी में समास है, कौन सा समास है लोक हितकारी में, सभी लोग बताएं क्या होगा सही उत्तर, उत्तर होगा तत्पुरुष समास, लोक हितकारी में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है अह अथाह पानी रखता है, अह सूखा सा गात्र में अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताओ जल्दी से, अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र, सा जल्दी बताओ, उत्तर इसका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार, अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र, मतलब विरोध का आभास हो रहा, तो विरोधाभास हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, तो बताएं जल्दी से किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है, उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, उत्तर होगा संदेह, संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। जीव का पर्यायवाची बताना है आपको, जीव, जीव का पर्यायवाची क्या होता है, क्या होगा इसका सही उत्तर, उत्तर होगा रसना, जीव का पर्यायवाची उत्तर रसना, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कफन बढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कफन बढ़ाना जल्दी बताओ, ये 4 विकल्प हैं, कफन बढ़ाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो सभी लोग बताएंगे कफन बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उत्तर होगा मृत्यु को स्वीकार करना, कफन बढ़ाना मतलब मृत्यु को स्वीकार करना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे व्यंग से हंसना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, जल्दी से बताओ, 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है, व्यंग से हंसना, उत्तर हो जाएगा अट्टहास करना, क्या हो जाएगा अट्टहास, व्यंग से हंसना मतलब अट्टहास करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, बताओ जल्दी से, जस दूल्हा तस वनी बराता क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 2 3 4 ऐसे आप कमेंट में लिखते जाएंगे तो आपका आंकलन बहुत अच्छे से होगा, उत्तर होगा जैसा व्यक्ति वैसा साथी, तो जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर। खाली ना होना, खाली ना होना ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। दोस्तों हमारे 30 वो क्या है, विभाव के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताएं। आपने पढ़े होंगे विभाव के कितने भेद होते हैं, ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, आपको एक उत्तर चयन करना होता है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर इसका सही होगा दोस्तों वो होगा 2, विभाव के 2 भेद होते हैं, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुउपसर्ग का अर्थ है, जल्दी बताओ अनुउपसर्ग का अर्थ क्या है। अब उपसर्ग के अर्थ जरूर पूछे जाते हैं, पास, पीछे, अधिकार या सामने, तो आपने बताया है उत्तर, क्या बताया है, सही बताया है पीछे, पीछे बताया है, बिल्कुल सही। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जल्दी बताओ तत्सम शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द है जो कि 4 विकल्पों में से तत्सम है, आपको चयन करने के लिए मौका दिया जाता है 4 विकल्पों के साथ। उत्तर होगा गैरक, गैरक जो है विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इच्छुक में प्रत्यय है, इच्छुक में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बताओ फटाफट बताएंगे सभी लोग, इच्छुक में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है उक, है ना, इच्छुक तो उक प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, जल्दी बताओ छा ध्वनि मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य, तो सभी को पता है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए, किसकी वर्तनी, अध्याय, अध्याय, अध्याय या फिर अध्याय, जल्दी बताओ क्या होगा सही उत्तर, उत्तर होगा अध्याय, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी करो, डाकू ने चौकी लूटी गई, डाकुओं से चौकी लूटी गई, डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, क्या होगा सही उत्तर, उत्तर होगा डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में शर्म के मारे मीना से ऊपर देखा भी नहीं जाता, जल्दी बताओ कौन सा वाच्य, वाच्य आपने पढ़े होंगे, कौन सा वाच्य, उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला एहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, एहलोक का विलोम बताना है, एहलोक, एहलोक का विलोम कई बार पूछा गया है, जल्दी से कमेंट में लिखें, 1 2 3 4, उत्तर होगा इसका परलोक, एहलोक का विलोम परलोक, परलोक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जल्दी से बताओ, ये 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा आपने पढ़ी है, कितने प्रकार की होती है कमेंट में आप बताएं। उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है, जल्दी बताओ, उर्मिलेश संधि आपने पढ़ी हो, उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है, लिखें कमेंट में, उत्तर हो जाएगा स्वर संधि, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा, स्वर संधि का, ठीक है। नेक्स्ट अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद हैं, कितने भेद होते हैं अवयव की दृष्टि से, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 2, अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, ठीक है, विकल्प नंबर कितने, 3। नेक्स्ट है भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, भाई खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, किस प्रकार के भाव आपके अंदर जागृत हो रहे हैं इस दोहा के पढ़ने से, वीर रस, वीर, है ना, तो उत्तर हो जाएगा वीर रस। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन करो, आमरण और आवरण, क्या हो जाएगा इसका सही, जल्दी से, आमरण मतलब क्या होता है, मरने तक, और आवरण मतलब होता है पर्दा, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट खुशबू में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है खुशबू में, जल्दी बताओ खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं, खुशबू में उपसर्ग बताना है, उत्तर हो जाएगा खुश, मतलब विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, खुशबू में, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सही हो जाएगा हसी, है ना, हसी कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। पवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, पवर्ग,
कचट तप आपने पढ़े हैं, पवर्ग की बताना है, क्या हो जाएगा सही? पवर्ग का बताओ जल्दी से, उत्तर होगा ओष्ठय। ओष्ठय सही होगा विकल्प नंबर एक। नेक्स्ट, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है उसे चुनिए। कौन सा है विपरीतार्थक? दिन दिवस, दरिद्र गरीब, दीन दुखी, दब्बू या दबंग। तो दब्बू या दबंग ये विपरीतार्थक है, ठीक है। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक ही युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करो, जल्दी से करो, जल्दी फटाफट। तो कौन सा है गलत युग्म? आपने बताया है दोस्तों क्या? दूर पास। दूर पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? क्लिष्ट का जल्दी से बताओ, क्लिष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही। तो क्लिष्धन्ता है ना, ये सही हो जाएगा क्लिष्ट का। अगला देखते हैं, पीताम्बर शब्द का समास विक्रय होगा पीताम्बर का, बताओ जल्दी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला रंग है जिसका, उपर्युक्त सभी। तो पीताम्बर का हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है जब किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु होने का खाली स्थान होता है, क्या होता है? संदेह, भ्रम या भ्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा भ्रम, भ्रम होता है तब, ठीक है। अगला क्या है? जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी, तब मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। उदाहरण में वाचक शब्द चुनिए, जल्दी से। वाचक शब्द कौन सा है? वाचक शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम अलंकारों को पहचानते हैं। तो वाचक शब्द कौन सा है इसमें? जनु अशोक अंगार दीन है ना, और यहाँ पर ये जनु हो जाएगा और यहाँ पर ये मानो हो जाएगा, ये वाचक शब्द है दोस्तों, इनको पहचानना है, उपयुक्त दोनों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकार का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताओ, सहकार, सहकार का पर्यायवाची सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका सही? सहकार का पर्यायवाची उत्तर होगा साथी, सहकार का पर्यायवाची होता है साथी। नेक्स्ट, भेद देना मुहावरे का सही अर्थ है, भेद देना क्या होगा? भेद देना मतलब सभी लोग बताएं, उत्तर होगा छेद करना, भेद देना मतलब छेद करना, विकल्प नंबर एक सही होगा। नेक्स्ट है, मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? जल्दी जल्दी सही सही बताना है आपको। मूर्ख होना होता है अकल का दुश्मन होना। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। तो क्या होगा? कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, ये सही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। घर आए नागना पूजिए बामी पूजन आए, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा सभी लोग बताएंगे? पूरा दिखावा करना होगा, वक्त पर काम न करना, पश्चाताप करना, तो अवसर का लाभ न उठाना, बाद में उसके लिए परेशान होना, यही सही है, ठीक है। अधजल गगरी सॉरी, घर आए नागना पूजिए बामी पूजन आए। दीप का पर्यायवाची बताना है हमें, दीपक प्रदीप, दीपा या फिर ज्योति स्तंभ, क्या होगा सही सभी लोग बताएं? उत्तर आपने बताया है दीपा, तो दीप का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? दीपा। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? सभी लोग बताएंगे, गांव गांठ, गांव गाय, गौ खेत क्षेत्र, खीरिया क्षीर। तो तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो गांठ गांव, ये अशुद्ध हो जाएगा विकल्प नंबर एक, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग 30 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आपने 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए, आपको कितने नंबर मिले जरा कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो है अगले वीडियो के लिए आप जल्दी से क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। जो भी हमारे नए साथी हैं सभी लोग जुड़ते जाएं टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पर स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।